नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिमसिम ऐप के बारे में बताया था और उसमें समझाया था कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद काफ़ी और चीज़ें हैं जो कि मैंने उसमें नहीं बताई थी, बिकॉज वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को उसमें लिस्ट कर सकते हैं, उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट उस पर सेल हो पाएँ, और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुमार गौरव, आप देख रहे हैं टेक विद केजीएस। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, सिमसिम में जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड से रिलेटेड आपको एक मेल आ जाती है। उसमें आपको यूज़र नेम मिलता है और आपको एक लिंक मिलता है जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं या अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला प्रोसेस वो यही है कि आपको अपने पासवर्ड को रीसेट करना होगा, बिकॉज वो पासवर्ड नहीं देते हैं मेल पे, आपको सिर्फ यूज़र नेम देंगे। तो एक बार जब आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लेंगे तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों हो जाएंगे और उसी के सहारे आप सेलर वेबसाइट, सिमसिम की जो सेलर वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन कर पाएंगे। ये बात ध्यान रहे कि दोनों वेबसाइटें बिल्कुल डिफरेंट हैं। सिमसिम की जो शॉपिंग की वेबसाइट है और जो सेलर की वेबसाइट है, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का यूआरएल डिफरेंट है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी आप सिमसिम की शॉपिंग वेबसाइट पे मत जाइएगा अपने सेलर अकाउंट को ओपन करने के लिए। एक बार सेलर की वेबसाइट देख लेते हैं सिमसिम की। सो आप अपने ब्राउजर में जब जाएंगे तो वहां पे आपको टाइप करना है seller.simsim.in, उसके बाद एंटर कर देना है। सो ये आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाता है और इसमें आप अपनी यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे हिट करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको एक डैशबोर्ड दिख जाएगा जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपके अभी तक सेल्स कितनी हुई है, अर्निंग कितनी है, पेज व्यू कितने आ रहे हैं। सो ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके ओवरऑल सेल्स का। तो ये आप देख सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। देखिए, जब भी आप सिमसिम में रजिस्टर होते हैं तो आपको एक मैनेजर अपॉइंट होता है। मैनेजर आपको हर चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो या आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना हो प्रमोशंस वगैरह में। सो उस मैनेजर से आपको रेगुलर टच में रहना है। और अभी मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ किस तरह से आपको लिस्टिंग करनी है। देखिए, लिस्टिंग के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है कंपैरेटिवली टू अदर पोर्टल्स। आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपका मैनेजर आपको एक एक्सेल फाइल दे देता है जिसमें आपको उसमें अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, और उसमें आपको अपने प्रोडक्ट के जो फोटोग्राफ्स के लिंक आपको उसमें ऐड करने होते हैं, और वो लिंक्स ऐड करके आपको अपने मैनेजर को शेयर कर देना है। सो बाकी का काम आपके मैनेजर का है। वो मैनेजर आपके इस फाइल को अपलोड करता है और आपके प्रोडक्ट इसमें डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाद में आपको उसकी जो स्टॉक है वो आपको खुद फिल करना होता है। आपको उसमें फिल करना होता है कि आपको कितना स्टॉक आपके पास है या फर्दर आप कितना मेंटेन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक एक्सेल फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। उसमें जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी लिस्टिंग के लिए हमने एक्सेल फाइल बनाई है आपको डेमो देने के लिए। सो देख सकते हैं, ये एक एक्सेल फाइल है जो सिमसिम के लिए बनाई गई है। इसमें जो पहला सेक्शन है, दैट इज़ प्रोडक्ट नेम, इसमें आपको अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, वो प्रोडक्ट क्या है, और एक SKU कोड होता है जो आपको अपने हर प्रोडक्ट के लिए देना होता है, वो मेंशन करना है। ये मास्टर SKU है, अगर वो किसी मास्टर SKU की कैटेगरी में से है तो उसका आप मेंशन कर सकते हैं। सब कैटेगरी, वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। सो लेट सपोज़ अगर मैं शूज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये कैजुअल शूज़ की लिस्टिंग है, तो मैं यहाँ पे कैजुअल शूज़ मेंशन कर दूंगा। ओके, आपको नोड आईडी इग्नोर करनी है बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि अगर वो प्रोडक्ट उस कैटेगरी में फॉल होता है तो आपको मेंशन करना है किसी पर्टिकुलर जेंडर स्पेसिफिक है या नहीं है। आपके ब्रांड का नाम मेंशन करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की MRP मेंशन करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस मेंशन करना है। ये सेलिंग प्राइस पे आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें सिमसिम की कमीशन इंक्लूड रहती है। सो ऐसा ना सोचें कि ये जो आप सेलिंग प्राइस मेंशन करेंगे तो ये इसमें सब कुछ आपका ही रहेगा। इसमें सिमसिम की कमीशन भी इंक्लूड रहती है, तो वो आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा और अकॉर्डिंगली ही इसमें प्राइस डालिएगा, बिकॉज जब ये प्रोडक्ट सेल होगा
तो आपको जो सेल होने के बाद जो पैसा मिलता है वो सिमसिम इसमें से वो पैसा कट करता है, अपनी कमीशन कट करता है, उसके बाद जो बैलेंस है वही आपको मिलता है। सो साइज मेंशन कर देंगे अपने प्रोडक्ट का अगर कुछ होता है तो, या फिर मे बी आपके पास कोई डिफरेंट प्रोडक्ट होगा तो साइज इस यहाँ पे कोई और कैटेगरी होगी, बट मोटा मोटा एक्सेल शीट में यही मेन चीज़ें होती हैं। कलर मेंशन कर देना है आपने, स्टाइल नेम अगर कुछ है तो, सो स्टाइल कोड अगर कुछ आपने मेंशन करना है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। पैटर्न उस पर प्रिंट क्या है, कोई सॉलिड कलर है या फिर चेक है या फिर लाइंस हैं या जो भी है, आपको अगर कुछ मेंशन करना है तो वो मेंशन कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट में क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जैसे शूज़ की कैटेगरी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको अपर मटेरियल की कैटेगरी मिली हुई है, इसमें आपको मेंशन करना है कि अपर मटेरियल में क्या मटेरियल यूज़ किया आपने, सोल उसका क्या यूज़ किया आपने, फास्टनिंग किस टाइप की है, फास्टनिंग में लेस अप है या कुछ और है, तो ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट कुछ और हो, शायद आप कपड़ों में डील करते हो तो उसमें ये कैटेगरीज काफ़ी चेंज हो जाएंगी, हो सकता है कि आपको साइज़ वाइज में मीडियम स्मॉल लार्ज इस तरीके से आए, बट यहाँ पे सिंस ये शूज़ हैं और फुटवेयर में मतलब साइजेस इसी तरह से मेंशन किए जाते हैं, सो इस तरीके से है। मटेरियल वगैरह शायद उसमें आप कपड़ों के मटेरियल मेंशन करने होंगे, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, सो ये चीज़ें जस्ट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ओकेजन आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक कैजुअल वेयर है या फिर पार्टी वेयर है और एनीथिंग। अगर आप कुछ कॉम्बो बनाते हैं, लेट सपोज दो का पेयर है या फिर तीन का पेयर है, लेट सपोज आप बाय वन गेट वन कुछ कॉम्बो बना करके सेल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कैपेसिटी कैपेसिटी यूनिट आप छोड़ सकते हैं, देखिए मेरे केस में मैं ये कुछ पॉलिश स्प्रे क्रीम और ये जो चीज़ें मांग रहे हैं मैं ये सेल नहीं करता तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। कॉम्प्लेक्स ग्रुप इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने छोड़ रखा है इसको, और ये मैनेजर से बात करके ही छोड़ें, सारी चीज़ें नहीं छोड़नी है, आपने मैनेजर से ज़रूर बात करना है, एक बार आपने फ़ाइल बना लेनी है उसके बाद, और तभी आपने अपने मैनेजर से बात करके अगर वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर कैटेगरी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं। वेट गाइडलाइंस आपको इसमें वेट मेंशन करना है, अगर किस तरीके से आपकी सिमसिम के साथ टाई अप हुआ है उस पर भी डिपेंड रखता है, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो वेट का डिफरेंस की वजह से भी आपके लॉजिस्टिक वगैरह चीज़ें जो हैं वो कभी कभी मैटर करती हैं। यहाँ पे मतलब हमने मेंशन नहीं किया बिकॉज़ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी जिस तरह से टाई अप हुई है सिमसिम में उसमें हम वेट का इतना मैटर नहीं करता, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ रखा है, बट आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके वेट से रिलेटेड कुछ प्राइसिंग में या फिर लॉजिस्टिक में की कॉस्टिंग में कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, सो वो आपको अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको मेजरमेंट डालनी है, आपके जो पैकेज है जो भी आप पैकेट बनाएंगे पार्सल उसका आपको साइज़ मेंशन करना होता है, आप इसमें लेंथ विड्थ हाइट मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे पैकेजिंग यूनिट में आपको नंबर मेंशन करने हैं। लेट सपोज़ एक प्रोडक्ट के लिए आप एक ही पैकेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वन मेंशन कर सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेजर से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन डायमेंशंस आपको सेंटीमीटर में या इंचेस में जो भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्या खूबी है, क्या उसमें स्पेशलिटी है और क्या क्या चीज़ें अच्छी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मेंशन करनी है, बिकॉज़ ये चीज़ें डिस्प्ले होती हैं जब आपका प्रोडक्ट वहाँ पे शो करता है सिमसिम पोर्टल पे तो उसकी डिटेल वहाँ पे शो करती है, और उसमें जितनी अच्छी चीज़ें मेंशन होंगी उतना ही कस्टमर अट्रैक्ट होगा उसको पढ़ करके। तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको HSN नंबर इसमें मेंशन करना होगा और उसी के हिसाब से आपका टैक्स रेट रहेगा। मेरे केस में शूज़ है तो शूज़ पे 5% GST लगता है तो मैंने 5% मेंशन किया हुआ है। EIN और UPC इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, आप अपने मैनेजर से ज़रूर बात करेंगे इस बारे में। फुलफिलमेंट मोड इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ मेरे मैनेजर से, सो मैंने इसको ऐसे ही खाली छोड़ रखा है, बात भी हुई है बट उसने बोला है कि इसको खाली छोड़ना है। देखिए सिमसिम की जो एक्सेल फाइल है और इनफैक्ट इसमें जो क्राइटेरियाज हैं एक्सेल को फिल करने के लिए ये काफ़ी सिंपल हैं और इसमें आपका मैनेजर बहुत हेल्प करता है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कोई भी मैनेजर होगा आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको फ़ोटोज़ के लिंक ज़रूर इसमें ऐड करने हैं, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बिकॉज़
ये फोटोज़ ही आपको मतलब अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं, मतलब प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल डिस्प्ले इन्हीं फ़ोटो से ही होता है। सो आपको काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक करके इसमें अपलोड करनी है। दोस्तों मैंने पिछली अपनी मीशो की बल्क लिस्टिंग में भी आपको बताया था कि हम जो फ़ोटोज़ हैं अपने प्रोडक्ट्स की वो हम ड्रॉपबॉक्स में अपलोड करते हैं और वहाँ से उसका लिंक बना करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए ड्रॉपबॉक्स काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और इसलिए बिकॉज़ मोस्टली पोर्टल्स ड्रॉपबॉक्स को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे पोर्टल्स में आप गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या अदर सर्विसेज का भी यूज़ कर लेते हैं, बट ड्रॉपबॉक्स एक ऐसी सर्विस है जिसे हर पोर्टल सपोर्ट करता है। सो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर आप रजिस्टर हैं और वहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ ड्रॉपबॉक्स लिंक के थ्रू अपलोड करवाते हैं, सो वो बेटर रहता है बिकॉज़ फर्दर आपको दोबारा लिंक नहीं बनाना होता है। अगर आप गूगल ड्राइव या किसी अदर सर्विसेज़ का यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम लिंक आपका बाकी की वेबसाइट्स पे भी काम करे। सो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, आगे भी यही कहना चाहता हूँ कि मतलब आप ड्रॉपबॉक्स का ही यूज़ करें। सो यहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ के लिंक डाल देंगे। यह ये जो पहला लिंक है ये मेन इमेज है, यानी आपके प्रोडक्ट को जब कोई क्लिक करेगा तो सबसे पहली इमेज जो होगी वो ये आएगी, उसके बाद इमेज नंबर वन ये आएगी, इमेज नंबर टू ये आएगी, इमेज नंबर थ्री, इमेज नंबर फोर, इमेज नंबर फाइव। सो इस तरीके से आपने डालना है। सो बाकी ये डिटेल्स हैं जो मैंने खाली छोड़ रखी हैं, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रहता है। और आपने देखिए जितनी ज़्यादा डिटेल्स डालेंगे उतना ही बेटर रहेगा, और जितनी ज़्यादा डिटेल्स रहती हैं कस्टमर को उतना ही समझ में आता है प्रोडक्ट। सो मैं कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स उसमें डालें। ये जो की फीचर्स वाला जो कॉलम है ये ज़रूर ध्यान में रखें बिकॉज़ इस ये जो कीवर्ड्स हैं इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है उसको विजिबिलिटी मिलती है। सो जितना अट्रैक्टिव कीवर्ड होगा उतना ही बेटर आपका विजिबिलिटी मिलेगी आपको। सो दोस्तों ये एक्सेल जब एक बार बन जाती है आपने सारे प्रोडक्ट्स की, आपने इसको सेव करके आप अपने मैनेजर को सेंड कर दीजिए, और जब आप मैनेजर को सेंड कर देंगे तो मैनेजर बाकी का काम करेगा, वो इसको सिस्टम में अपलोड करके आपके प्रोडक्ट को लिस्ट कर देगा और आप उसको देख पाएंगे अपने वेबसाइट्स पे। सो दोस्तों एक बार जब आपकी लिस्टिंग हो जाती है, देखिए मैनेजर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेगा, फर्दर आपको स्टॉक आपने खुद डालना है। सो प्रोडक्ट के स्टॉक काउंट डालने के लिए आपको अपडेट प्रोडक्ट्स में क्लिक करना है, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। सो आपके सारे प्रोडक्ट्स की एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, उसे आपको सेव कर लेना है। सो एक बार जब सेव हो जाता है आप उसे ओपन करेंगे और इसमें जो ये वाला कॉलम है इन्वेंट्री, इसमें आपको अपने हर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मेंशन कर देनी है, जो भी क्वांटिटी आप मेंशन करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। एक बार जब आप सेव कर लेते हैं, सो सेव करने के बाद आपने यहाँ पे जो चूज़ फाइल का ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है, और वही फाइल जिसमें आपने अपलोड किया है वो आपने ओपन करनी है और यहाँ पे आपने अपडेट प्रोडक्ट क्लिक कर देना है। सो आपका स्टॉक जो है ये अपडेट हो जाएगा। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं इसी फाइल को वापस अपडेट कर देता हूँ। देखिए ये अपलोड सक्सेसफुल आ गया है और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो स्टॉक है वो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि प्रोसेस कितना सिंपल है। और सिमसिम में आप रजिस्टर करते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो देखते हैं आपको कितना फ़ायदा होता है, बिकॉज़ आपको ज़्यादा इसमें माथापच्ची करनी नहीं होती है, आपका मैनेजर आपके लिए बहुत काम करता है इसमें। सो ये एक बेनिफिट है कंपेयर टू अदर पोर्टल्स। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।